आज का मौसम भी एकदम खुला खुला सा है, काफी धूप है सुबह सुबह। अभी सुबह के बज रहे हैं 8। इसमें डाला है पनीर, ये घर में बनाया है मैंने। साथ में है प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, नमक, ग्रेटेड जिंजर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। जितना बड़ा आपका आटा का ये लोई है ना, उतना ही लगभग अगर आप डालोगे इसमें स्टफिंग पनीर की, तो बहुत टेस्टी बनेगा। बेलते वक्त हो सकता है कि थोड़ा फट जाए और ऊज आउट हो जाए पनीर, पर वो वाला जो पार्ट होता है ना, जो फट के पनीर बाहर निकलता है, वो जो आप सेकोगे ना, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। वाह, आज सुबह सुबह ये क्या हुआ है देखिए। ये मेरा इतना फेवरेट स्पैचुला था, हल्का सा इसमें क्रैक तो आया था कई टाइम से, और ये गया। ओहो हो, बेचारा इतना सा बचा है। चलिए, इसको बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। ये हो गया अपना ब्रेकफास्ट रेडी। मैं और अंगद दोनों ना एक ही प्लेट से एक एक पराठा खा लेंगे, और एक एक पराठा हमारे लिए एकदम काफी हो जाता है। ये वाला तो थोड़ा बड़ा भी मैंने बनाया है, ये वाला अंगद के लिए है, और छोटू वाला जो है ये मेरे लिए है। पराठा फिनिश होगा तब तक हमारा चाय भी बन करके तैयार हो जाएगा। मेरा नाश्ता खाना हो भी गया और अंगद का पराठा अभी भी यहीं का यहीं पड़ा हुआ है। इधर चाय भी हो गई है और उसकी चल रही है मीटिंग। सुबह सुबह आज 8 बजे है, तो 8 बजे ही लॉग इन टाइम है। क्या बोलूं मैं, आपकी ही बातें हो रही थी। उस तरफ में लगा हुआ है ना कान में, दिखाना जरा अपना गहना। आया भाग के। ओ मल्टीटास्कर, नाश्ता कर लो, रॉक एंड रोल नाश्ता कर लो, ठंडा हो गया, चाय मैं छान दूंगी, जाओ ना। एक्चुअली ना मेरा एक छोटा सा यहाँ पे कांड हो गया है, मेरा ना उंगली कट गया है, आपको दिख रहा नहीं है शायद। हाँ दिख रहा, रात को ही ना ये चना फूलने को दे दिया था, तो अभी इसको मैं प्रेशर कुक कर लूंगी, क्योंकि आज बनने वाला है लंच में छोले चावल। और ये ना अलग से मैंने एक मलमल का कपड़ा रख दिया है, ये चाय पत्ती वाले के लिए रखती हूँ, इसलिए इसमें ऐसा दाग पड़ गया है जो धुलने पे भी जाएगा नहीं। तो इसी में फिर मैं थोड़ा सा चाय पत्ती डाल करके इसमें डाल दूंगी, ताकि बहुत अच्छा सा कलर आए।
शॉर्ट हेयर होने के ना इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने इतना डिले क्यों किया। मतलब एक डेढ़ महीने से मैं टाल रही थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था पार्लर जाने का। काश मैंने थोड़ा पहले करवा लिया होता, क्योंकि अभी मैंने हेयर वॉश किया, विद इन 30 मिनट्स में ना मेरे बाल सारे ड्राई हो गए। पहले क्या था ना कि जो प्रोसेस होता है शैम्पू किया आपने तब से लेके जब तक आपके बाल ड्राई होते हैं, वो जो होता है ना 40-45 मिनट्स, वो मुझे बहुत ही ज्यादा लगता था इरिटेटिंग, क्योंकि लंबे बाल थे, बाल गिर रहे होते थे, तो कब ड्राई होगा, कब मैं पोनी कर लूं, गर्मी लग रही है, तो फटाफट छोले बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी। पर जिस चीज में बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही स्पेशल है, नया चीज आया है मेरे किचन में, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा जब मैं ये बोलती हूँ तो क्या निकलता है, इंडस वैली का एक नया कुकवेयर। जी हाँ, तो मेरे पास ये आया है इंडस वैली, मैंने आपको पहले भी बहुत बार शेयर किया है आपके साथ में। तो अभी ना ऑफर चल रहा है इंडस वैली में, पहले वो सुन लीजिए, अप टू 70% ऑफ मिलेगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको एडिशनल 15% का ऑफ मिलेगा। तो एक तो प्राइस रेंज जो है वो अफोर्डेबल होती है, प्लस इतना डिस्काउंट मिलेगा तो आपका फायदा होगा। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने पहले मुझे कमेंट करके बताया है कि उन्होंने खरीदा है, मेरा कूपन कोड लगाया है, उनको काफी अच्छे रेट में मिला है, और चीजें तो अच्छी है इंडस वैली की, मैं रोज यूज करती हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं सोचिएगा आपकी सोना प्रमोशन के लिए बोल रही है, नहीं, मैं उसको रोज यूज करती हूँ, मुझे ट्रस्ट है ब्रांड पे, अच्छे रेट पे मिलेगा मुझे गारंटीड है, फ्री में आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखोगे तो आपको हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ मैं कुक करती हूँ इनके कुकवेयर रेंज में, आपको पता चल जाएगा। इसका जो साइज है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए मैं इसमें बनाती हूँ, कम ऑयल में ट्राई करते हैं कि जैसे मेरा कुकिंग स्टाइल है उसी में मैं इसमें बनाने की ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। तो चाय पत्ती डालने से ना, अगर चाय पत्ती का आप डालते हो ऐसा पोटली बना करके, तो देखिए कलर कितना ज्यादा अच्छा आया है इसका। ये ना पहले से प्री सीजनड है, तो अभी फर्स्ट यूज के लिए भी आपको सीजन करने की जरूरत नहीं है, एक बार अच्छे से बस वॉश कर लीजिए और इसको ड्राई कर लीजिए और फिर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली को साथ में ही चॉप कर लिया है, तो ये एक साथ ही मैं डाल दूंगी। ये अच्छे से पूरा सीज किया है, तो मैंने इसको ओवरनाइट सोक किया था और साथ ही साथ मैंने इसमें 8 सीटी लगाई, ये परफेक्टली कुक हो गया। गर्मी में हालत पस्त हो गई किचन में, एक तो इतना गर्मी लग रहा है, ऊपर से फिर से मैंने ये फुल स्लीव्स पहन लिया। एक्चुअली मेरे पास ज्यादा करके ना कुर्तियां फुल स्लीव्स में ही है। धनिया, जीरा और लाल मिर्ची पाउडर डाला है अभी इसमें, और थोड़ा देर के लिए और इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा डाल दूंगी पानी ताकि जो मसाले डाले हैं ना वो अच्छे से कुक हो जाए। और अभी तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है, पर उससे पहले भी आप देखोगे ना तो बिल्कुल भी नीचे चिपका हुआ नहीं था, जबकि तेल आपने देखा कि मैंने कितना डाला। थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें शुगर, मसाला भी अच्छे से भून चुका है, और अब मुझे इसे कुक करते करते 15 मिनट से भी ज्यादा हो गया है। अब देखते हैं हैंडल कितना गर्म है। तो नहीं, ये गर्म है, पर वैसा नहीं है कि आप इसको ना छू सको, या फिर आपने छू लिया तो चटका लगेगा। ये देखिए मैं इजीली इसको उठा पा रही हूँ, तो चलिए ये बात तो प्रूव होगा कि हैंडल गर्म नहीं होता है। तो इनकेस आपका वो कंसर्न है अगर कि कैसे इसको करेंगे, तो ये आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये सारे किचन टॉवल्स है ना, सबको मैंने वॉश कर दिया था, तो आज वॉशिंग मशीन मैंने 2 साइकिल चला लिया। एक में तो ये सारे कपड़े धुल गए, कुछ तो सूख भी गए, यहाँ पे थे ना इतनी कड़ी धूप है कि सुबह धोए सूख भी गए। उसके बाद मैंने ये भी डाल दिया था सारे, और ये भी सभी सूख गए। तो इस मौसम का फ़ायदा यही है कि कपड़े फटाफट सूख रहे हैं। कितनी कड़ी धूप है बाहर, देखिए, वाह। बिना ये हटाए हुए ना मैं खींच रही थी, और मैं सोच रही ये निकल क्यों नहीं रहा है ना। अंगद के जिम वाले कपड़े हैं, और ये बहुत ही मोटा है, ये वाला भी और ये वाला भी पैंट दोनों मोटा है। तो सोचिए इतनी धूप है कि ये 2 घंटे के अंदर अंदर ना पूरा सूख चुका है।
छोले बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए कितना यमी यमी लग रहा है। इसमें कोई भी गर्म मसाले मैंने नहीं ऐड किया है, सिर्फ जीरा धनिया पाउडर वही सब ऐड किया है, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। और कलर कितना प्यारा आया है आप देखिए। चलिए अब इधर अपना राइस बस बन जाए तो छोले चावल जो है वो रेडी हो जाएगा। शादी से पहले ना हर लड़की को टेंशन होती है, क्योंकि लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली होती है। तो मेजोरिटी जो टेंशन होती है वो ये होती है कि अपना घर छोड़ करके कहीं और जाना है, एडजस्ट करना है, नए लोगों के बीच रहना है, तो कैसे रहेंगे, खुद के घर की याद आएगी, पेरेंट्स की याद आएगी। तो मेरे साथ तो वो सब था नहीं, आपने अब मेरा मैरिज स्टोरी सुनाई है तो आपको पता ही क्या सीन था। पर मुझे जिस बात की टेंशन थी ना वो थी कि मैं 3 टाइम खाना कैसे बनाऊंगी रोज। और मुझे ऑफकोर्स ये पता था कि हमारी शादी जिस हो रही है सिचुएशन में, इसमें अभी इतना तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि कुक रख ले। मुझे क्या पता था जब अफोर्ड कर भी पाएंगे तो मैं अपने मन से ही कुक नहीं रखूंगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ ऐसे भी ट्रांसफॉर्म होगी, मेरी सोच ऐसे भी बदल जाएगी। पर तब था कि कुक रखने का मन तो है पर रखेंगे कैसे, ऑफकोर्स अभी मनी क्रंच रहेगा। और मैंने और अंगद ने एक चीज डिसाइड कर ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये हमारा डिसीजन है शादी करने का ना, तो हम किसी का भी हेल्प नहीं लेने वाले हैं। तो जो भी हमने अपनी लाइफ में अचीव किया ना, और ये मैं डंकी की चोट पे कह सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे सिर्फ व्यूअर्स देखते हैं ये वीडियो, हमारे रिलेटिव्स भी देखते हैं, पेरेंट्स भी देखते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमने हेल्प कभी किसी से ली नहीं, किसी भी चीज के लिए नहीं, सब कुछ हमने खुद किया है। तो ये तो सवाल ही नहीं था कि कुछ हेल्प लेंगे। तो जब जो करना है खुद करना है तो ऑफकोर्स अफोर्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे अर्न नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अंगद की सैलरी से रेंट देना है, बहुत कुछ देखना है, तो कुक तो भूल ही जाओ, तो खुद ही बनाना है, मुझे बनाना है। अंगद ने पहले हाथ खड़े कर दिए थे कि उसको कुकिंग नहीं आती है, तो जो है वो मुझे करना है। तो इसकी टेंशन मुझे बहुत होती थी कि 3 टाइम खाना बनाना ये कैसे होगा मैनेज, ऊपर से मेरा कॉलेज रहेगी, लॉ बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स है, ये ना इसका जहाज मेरे मुंह में आ रहा है, तो लॉ बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स है, तो कॉलेज भी जाना, पढ़ाई भी करनी, साथ में खाना भी बनाना, अंगद का भी ऑफिस देखना, और खाना अच्छा और हेल्थी होना चाहिए। ये जो आप मक्खी देख रहे हो ना, ये आम की वजह से किचन में आ गई है। तो कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, ये मुझे रहता था थोड़ा टेंशन। अंगद आए हैं इंस्पेक्शन के लिए, स्मेल से आए हो क्या? वरना लंच टाइम पे याद आ जाए, लंच का कैसा दिख रहा है बताओ? मस्त लग रहा है ना, कर दो बस राइस बनने की देरी है। मजेदार लग रहा है, कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही मस्त आया है, वही चाय पत्ती वाला जो करती हूँ आज वही किया है। अब आकर के बैठी हूँ फैन के नीचे में, जो अच्छा लग रहा है ना, मन तो कर रहा है कि आज एसी चला लूँ। सच में आज दोपहर को अगर मुझे मन किया ना, मैं बुक रीड करने का आज मेरा प्लान है कि दोपहर में मुझे बुक ही रीड करना है, तो मैं सोच रहा हूँ एसी चलाऊं, वो वाली गर्मी है आज बैंगलोर में। अंगद को मैंने पकड़ के बिठाया क्योंकि ये रूम से निकला खाना सूंघने, तो मैंने कहा तो आइए बैठिए, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। बहुत ही वैसे भी आप कम अपीयरेंस देते हैं मुझको आपके इंटरव्यू में बुलाने के लिए। ये बताइए, मैं अभी शेयर कर रही थी कि शादी के नाम, जब शादी का हो गया फाइनल हमारा, तो किस एक चीज से मुझे टेंशन होती थी शादी के बाद की बात से, ठीक है? तो मैंने अपना बता दिया, वो तुम बाद में व्लॉग में देखना। अब तुम अपना बताओ कि जब शादी वादी सेट हो गई, शादी होने वाली है, तो क्या किसी चीज से तुम्हें डर लगता था शादी का सोच के, कि बाद की लाइफ के लिए कुछ एक फियर था या कुछ भी नहीं था? मतलब वैसा कोई मेजर फियर तो नहीं था, बस एक चीज मुझे लगती थी कि मतलब ऑब्वियसली ये पढ़ रही थी, आपको तो पता ही है कि वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रही थी, और शादी के बाद भी स्टडीज कंटिन्यू करना था, और हम दोनों ही यहाँ पे हैं, तो मुझे एक चीज लगती थी कि मतलब कॉलेज अब तक तो सिर्फ और सिर्फ स्टडीज है, तो सिर्फ स्टडीज पे ध्यान था, खाना पीना घर संभालना वो सब अपने आप हो जाता था, मॉम कर लेती हेल्प, या भैया के घर पे थी तो भैया के घर पे सब हेल्प कर लेते थे, पर खुद से सब कुछ मैनेज करना, हैंडल करना, वो कैसे हो पाएगा? बट इवेंचुअली पता चला कि भैया मस्त तरीके से हैंडल किया उसने, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग खाना वाना बना के कॉलेज जाने का, फिर वापस आने का, फिर खाने का गरम करके पूरा एकदम सही से, कभी एक भी दिन, मैं तो लंच पे भी आता था दोपहर को ऑफिस में, उस टाइम पे तो ऑफिस मेरा 1.5 किलोमीटर दूरी था, तो मैं ऑफिस पे मतलब लंच के लिए ऑफिस से घर पे भी आ जाता था, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि खाना नहीं बना है। और इसके अलावा कोई पर्सनल खुद के लिए कोई फियर? ये तो चलो मेरा हो गया नहीं, कि न्यू लाइफ में कैसे एडजस्ट करेंगे, या लड़की खाना अच्छा बनाएगी या नहीं, या फिर हमारे बीच में बनेगी कि नहीं, कोई फियर नहीं था तुमको? इतना कॉन्फिडेंस था है? अपने प्यार पे भरोसा। ओहो क्या बात है, चलो पक्का नहीं था ना, बाद में कभी मत बोला लाइफ में था मैंने उस दिन बताया नहीं। अब क्या इतने साल हो गए, बार बार अंगद खाना चेक करने से तापमान नहीं बढ़ेगा खाने का और खाना नहीं पकेगा, वो अपने समय पे पकेगा, सब कुछ अपने समय पे ही होता है, नहीं पका है ना? अंगद बेचैन है आज, मीटिंग तो नहीं, ऐसा ना होगी जब तक मेरा राइस बने तुम्हारा मीटिंग हो जाए। आधा घंटा है तो मुझे ना एक्चुअली राइस साथ में चढ़ा देना चाहिए था, पर मुझे लगा कि तुम्हारी तो मीटिंग होती है रोज बरोज में, तुम हड़बड़ाते तो हो नहीं, तो मैंने कहा आराम आराम से बनाएंगे। आज ही देख लीजिए फ्री घूम रहा है ये बंदा, ऐसे ही घूमा करो, 10-20 मिनट लगे कि है घर में एक और आदमी, घूमता हूँ ठीक है, मुझे तो नहीं दिखते तुम।
नहीं नहीं घूमते हो तुम अंगल, तुम कहीं पर गायब रह रही हो, ये 2 रूम का तो घर है, हम दोनों कहाँ गायब हो जाएंगे। मैं यहीं पे पाई जाती हूँ, सबको पता है, व्लॉग में भी सबको पता है कि सबसे ज्यादा मैं कहीं पाई जाती हूँ तो वो किचन में पाई जाती हूँ। और मैं भी सबसे ज्यादा कहीं पे पाया जाता हूँ तो वो उस रूम में पाया जाता हूँ, आप मुझे मिल सकते हैं। बाकी एक रूम तो मेरा खाली ही जा रहा है, लगाओ रेंट पे। ऑलमोस्ट पे है राइस यहाँ पे, 3-4 मिनट और ये रेडी हो जाएगा। 3 hours later. मैं बुक पढ़ने में बिजी हो गई, फिर मेरा ध्यान अचानक से जाता है ना कि बाहर से रोशनी बहुत कम आ रही है, और देखती हूँ तो ये देखिए बादल आ चुके हैं। इधर से तो और भी सुंदर लग रहा है बादल। अभी ना हवा नहीं चल रही है उतनी ज्यादा, एक भी पेड़ में कोई मूवमेंट नहीं है, तो जब ऐसा हो जाए ना कि सन्नाटा हो जाए और ऐसा बादल आए तो समझिए जम के बारिश होने वाली है। आज अंगद को एक बहुत जरूरी काम है, उसके लिए मुझे कह रहा है फटाफट चलो चाय पियो और चलते हैं। पहले तो मेरा तारीफ कर लो। तारीफ कर लो कि मैं टाइम पे ऑफिस बंद कर दिया हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज जो काम किया है उसके लिए आपको जबरदस्ती, मतलब जरूरी जबरदस्ती नहीं जरूर वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। तो एक्चुअली हमें जाना है, अंगद का फरमाइश है कि आम लाने के लिए। थोड़ी थोड़ी सी जो बारिश है वो होने लगी और हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए आम और लीची। पिछली बार यहाँ से हमने लिया था ना मैंगो और ऑरेंज वगैरह, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का था। अभी हम ढूंढते आ रहे थे, वो भी है ही नहीं क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो शायद वो लोग चले गए। फिर फाइनली हमें एक जगह मिल गया। आई एम श्योर अंगद अगर ले रहा है तो मुझे गेस करने की भी जरूरत नहीं है, वो पक्का से लेगा तो बादामी लेगा क्योंकि उसको वही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ज्यादा अच्छा। कौन सा आम लिया? सिर्फ बादामी था, बैंगनापल्ली नहीं था। नहीं था, तो सारे ही बादामी आम ही मिले हैं अंगद को, और इनमें से कुछ कुछ तो एकदम ही पके हुए हैं, और 2.5 किलो लेकर आया है तो काफी ज्यादा है। और है अनार और संतरे, संतरा बहुत ही ज्यादा अच्छा मिल रहा है आजकल, तो जरूर खाइए, मैं तो रोज एक संतरा खा लेती हूँ। तो अंगद तो गया जिम करने के लिए, तो जब तक वो जिम करता है मैं जाती हूँ वॉकिंग करने के लिए, इसलिए पहन लिया है अपना हेडफोन। आधा घंटा ब्रिस्क वॉक करूंगी, उसके बाद डिनर का कोई टेंशन है नहीं क्योंकि छोले है ही, तो बस चपाती बनानी है। चलिए इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरी वीडियोज को देखते रहिए। बाय बाय।